और कमाल मौला मस्जिद में चल रहे एएसआई के सर्वे का आज 16वां दिन है और सुबह 8 बजे करीब टीम पहुंची है और सर्वे का काम शुरू किया गया है। बताते चलें कि 15 दिनों तक का अब तक का सर्वे पूरा हो चुका है। बीते दिन की अगर बात करें तो 12 बजे तक टीम पहुंची थी तो सर्वे किया और उसके बाद क्योंकि शुक्रवार था और जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए वो दिन दिया गया था, मुस्लिमों के लिए वो समय निर्धारित किया गया था। ऐसे में 1 बजे से 3 बजे के बीच मुस्लिम पक्ष के लोग वहां पर नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे थे और उससे पहले एएसआई की टीम ने यानी कि 12 बजे अपना काम खत्म किया था। आज फिर से वापस से काम में जुट चुकी है, सर्वे के कार्य में लगातार एएसआई की टीम जुटी हुई है। सुबह 8 बजे पहुंची है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साबिर खान जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। साबिर, क्या कुछ जानकारी, बीते दिन क्या कुछ आखिर सर्वे में निकल कर सामने आया और आज क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल रश्मिता, मैं आपको बता दूं कि जो एएसआई की टीम है आज कल सुबह 8 बजे यहाँ पे पहुंची है और उन्हें अपना जो है सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। सर्वे की टीम में लगभग 20 लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और 25 से 30 जो मजदूर है वो भी उनके सहयोग के यहाँ लिए उपलब्ध है। कल की बात करें तो कल क्योंकि शुक्रवार था इसलिए टीम जो है सुबह 6 बजे ही यहाँ पर पहुंच गई थी और 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो है टीम ने यहाँ पे सर्वे किया था और चूंकि शुक्रवार था तो शुक्रवार के दिन 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाजियों के लिए प्रवेश रहता है और मंगलवार के दिन सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक हिंदू समुदाय के लिए प्रवेश की अनुमति रहती। ऐसे में जो है सर्वे जो है कल दोपहर में 12 बजे खत्म हो गया था और आज जो है 8 बजे से शुरू हुआ तो संभवतः ये शाम को 5 बजे तक चलेगा। वहीं जो एसआई की टीम है अपनी अलग अलग विभिन्न पद्धतियों के तहत मैपिंग, जीपीएस, जीपीआर और कार्बन डेटिंग और सैंपलिंग, इस तरह की जो है अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत अपने सर्वे को कार्य पूर्ण कर रही है क्योंकि माननीय हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें इन्हें 6 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे अपना सर्वे कंप्लीट करने के बाद रिपोर्ट जो है माननीय उच्च न्यायालय की पटल पे पेश करना है क्योंकि क्षेत्र काफी बड़ा है, काफी सूक्ष्मता से जो है सर्वेक्षण करना पड़ रहा है तो संभवतः ये समय जो है एएसआई की टीम को कम पड़ सकता है। तो संभावना जताई जा रही है कि अगर ये समय पे कार्य पूरा नहीं होता है तो एएसआई की टीम जो है समय बढ़ाने की मांग कर सकती है। बिल्कुल, समय बढ़ाने की मांग की जा सकती है लेकिन अभी बीते दिन क्योंकि जुम्मे की नमाज अदा की मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और अब देखने को मिल रहा है कि ईद भी जल्द नजदीक आने वाली है तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ानी होगी एएसआई के सर्वे के दौरान के लिए। बिल्कुल, मैं बता दूं कि पहले दिन से ही जो है स्थानीय प्रशासन पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर्याप्त बल मुहैया करवाया गया है। जगह जगह पे जो है बैरिकेडिंग की गई है, हर जगह पे पुलिस बल तैनात है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं सशस्त्र बल के लोग भी जो है किसी भी चीजों के लिए तैयार खड़े हुए हैं और यहाँ पे 3 लेयर की जो है सिक्योरिटी प्रदान की गई है सर्वे के दौरान एसआई की टीम को। बिल्कुल, तो सिक्योरिटी के साथ ही फुल सर्वे का काम जारी है लेकिन अगर हम बीते दिन की बात करें तो कहा जा रहा था कि 3 गड्ढों की खुदाई की गई है, ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जो इस सर्वे के दौरान जो है हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जो लोग सर्वे के दौरान उपस्थित थे अगर उनकी बात माने तो अभी 3 जगह जो है गड्ढे की खुदाई हुई है। उन गड्ढों में से जो है मिट्टी के सैंपल्स, पत्थरों के सैंपल्स और निकलने वाली चीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं जिन्हें लैब में भेजा जाएगा, वहां से उनकी जांच होगी और उसकी रिपोर्ट पे ही आगे डिसाइड किया जाएगा कि ये कितना पुराना है, क्या है, इस इमारत की उम्र कितनी है, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। वही जो है हिंदू समुदाय का अपना एक है कि खुदाई चल रही है, वही मुस्लिम समुदाय के पक्ष का जो है ये कहना है कि हमने जो हाई सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की थी उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब ऐसी कोई खुदाई नहीं होगी जिससे फिजिकल नुकसान हो, तो अभी किसी तरह की कोई खुदाई नहीं चल रही, पहले से जो थे उसी पे कार्य चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार एएसआई के सर्वे का कार्य जारी है और आज 16वां दिन है और आगे और कितने दिनों तक चलती रहेगी ये सर्वे की प्रक्रिया, इस पर नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे